या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, नमस्तस्यै नमो नमः। मैं घर की छत पर हूँ, पूर्व दिशा में आसमान में सुनहरे लाल रंग का गोलाकार सूर्य उदय हो रहा है। सूर्योदय के साथ साथ आसपास के वृक्षों पर रात्रि में सोए हुए पक्षी, मोर, कोयल, बुलबुल, मैना, गौरैया और पपीहा आदि भोर में जागकर मधुर ध्वनि में कलरव करके संपूर्ण वातावरण में कर्णों को प्रिय लगने वाले संगीत का एहसास करा रहे हैं। पक्षियों का ये मधुर कलरव हृदय की धड़कन को मानो मधुर संगीत की सरगम बना रहा है। इस ऊंचाई से मुझे अपने सामने एक सुंदर सरोवर दिख रहा है, जिसके जल पर उदय होते हुए सूर्य की किरणें पड़ने से सरोवर की जल तरंगे अनेकों नागमणियों सा प्रकाश परावर्तित कर रही हैं, और ये परावर्तित प्रकाश मेरे मुखमंडल पर पड़ रहा है, जिससे मेरा आभा मंडल भी उदय होते सूर्य के समान ही सुनहरा तेजमयी हो रहा है। सूर्य देव के इसी सतरंगी प्रकाश ने सरोवर में तैर रहे हंसों और राजहंसों की सुंदरता को इतना उज्ज्वल बनाया है, जैसे ऐसा प्रतीत होता है कि ये हंस और राजहंस इंद्रलोक के दिव्य पक्षी हैं। सूर्य देव का ये सुनहरा प्रकाश सरोवर में खिले गुलाबी और श्वेत कमल पुष्पों को दिव्य लोक का दिव्य पुष्प बना रहा है। इतना मनोहर वातावरण है यहाँ का, सच में ये एक दिव्य लोक है। मैं दैवीय लोक में हूँ, मैं एक दिव्य लोक में हूँ, इसकी पुष्टि करता है इस सरोवर के मध्य में खिला हुआ बहुत बड़े आकार का ये गुलाबी कमल पुष्प, क्योंकि इस विशाल काय गुलाबी कमल पुष्प पर साक्षात माँ लक्ष्मी विराजमान है और अपने चटक गुलाबी अधरों पर मधुर मुस्कान बिखेरती हुई वात्सल्य भरी नजरों से मुझे देख रही हैं। माँ लक्ष्मी के घने काले लंबे केशों की सुगंध संपूर्ण ब्रह्मांड को सुगंधित कर रही है, मन मोह रही है। माँ के शीश का रत्न जटित स्वर्ण मुकुट अद्वितीय है। माँ का गौर वर्ण, बड़े बड़े काले नयन, ललाट पर सुर्ख लाल चंदन की दिव्य बिंदी, कर्णों में मयूराकृत कुंडल, गले में दिव्य प्रकाश बिखेरता हुआ हीरों का हार, हाथों में रत्न जड़ित लाल कंगन, लाल वस्त्र, लाल चुनरी, हथेली पे मेहंदी, पैरों में महावर और बिछुए। माँ मुझे वचन दीजिए कि आपका ये अनुपम रूप मेरे मन की आँखों से अब कभी ओझल ना हो, अब सदा के लिए आपका ये दिव्य रूप मेरी स्मृतियों में अविस्मरणीय रहे।
मैं आंखें खोलूं तो बाहरी संसार में, और आंख मूंद लूं तो अपने भीतर मुझे आपके इसी दिव्य रूप के दर्शन हों। माँ इस विनती से अति प्रसन्न होके बोली कि अब तुम्हें सदा मेरे दर्शन होंगे। और अपनी गोद में रखा रत्न जड़ित स्वर्ण कलश उठाकर मुझे देते हुए कहा कि अब से मैं और मेरा ये स्वर्ण कलश सदा तुम्हारे पास रहेगा। अब से तुम्हारा जीवन वैभवशाली होगा, क्योंकि अब मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगी और मुझे सदा अपने साथ बनाए रखने के लिए मेरे द्वारा दी हुई संपन्नता से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ जरूरतमंदों की सहायता करते रहना। इससे मैं तुम्हारे जीवन में स्थिर रहूंगी। माँ, मेरे द्वारा आपके आदेश का अक्षरशः पालन होगा। माँ, आपके चरणों में मेरा शीश है, कृपया मेरे शीश पर अपना हाथ रखकर मुझे अब कर्तव्य पालन की आज्ञा और शक्ति दीजिए। मुझे दर्शन देकर समृद्धि देकर कृतार्थ करने के लिए आपका अनंत 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 आभार। ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्।